लिखी हुई वो क्वेश्चन नहीं है ज्योति, वो जो मैं पीपीटी बनाऊंगा रहा। कमल, वी विल टॉक लेटर अबाउट योर प्रोजेक्ट. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 यूनिट्स, दैट इज यूनिट 1, 2, 3 एंड यूनिट 5th ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर यूनिट 4 ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज द वर्क स्टडी. ठीक है, सो वर्क स्टडी के अंदर आपके बहुत दो टेक्निक्स आती हैं. फर्स्ट वन इज योर वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज अ मैथड स्टडी. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज वर्क स्टडी. सो वर्क स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, वर्क को डिजाइन करते हैं. वर्क स्टडी एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं इसमें. वी विल स्टडी द वर्क, जो ऑपरेशन या वर्क जो है हमारे प्रोडक्शन शेड्यूल में या फिर हमारे प्लांट में हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं थ्रू द वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं, हम लोग कुछ मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हमारा जो प्रोसेस है क्या वो प्रोसेस लेंदी तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा आइडियल टाइम तो नहीं है जिस टाइम को हम लोग बेटर यूटिलाइज कर सकते थे. एंड ऑल्सो हम ऑपरेटर जो है किस स्पीड से वर्क कर रहे हैं, उनको कितना टाइम देने की ज़रूरत है, कितना उनको कितने घंटे वो वर्क करेंगे, कितना उनको रेस्ट टाइम देना है. ठीक है, रेस्ट की भी ज़रूरत होती है वर्कर्स को. ठीक है, एंड ऐसे जो टास्क होते हैं जो जो मशीन्स परफॉर्म करती है, तो मशीन कितना टाइम लेगा, मशीन की कैसी जो टाइम है या एफिशिएंसी, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे कौन से प्रोसेसेस लगा सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, ये सारी जो स्टडीज़ होती है वो हम करते हैं अंडर द वर्क स्टडी. ठीक है, सो वर्क स्टडी में बेसिकली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एंड एज वेल एज अवर जो प्रोजेस्ट सॉरी जो प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. ठीक है, जो हम काम करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या ऑलरेडी जो काम चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. एंड वी विल ट्राई टू स्टेब्लिश द स्टैंडर्ड टाइम कि एक प्रोसेस को करने के लिए लेट अस सपोज 1 आवर लग रहा है, तो एनी हाउ 1 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज दिस जो एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है दैट इज़ द वेस्ट. ठीक है, सो दिस इज द वर्क स्टडी. सो लेट अस स्टडी अ डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी. सो वर्क स्टडी इज अ जेनरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स पर्टिकुलरली फॉर मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज टू एग्जामिन द ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कंटेंट विच लीड टू सिस्टमेटिकली टू इन्वेस्टिगेट ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इफिशियंसी एंड इकोनॉमी ऑफ सिचुएशन बींग रिव्यूड इन ऑर्डर टू इफेक्ट इम्प्रूवमेंट. ठीक है, यही बोल रहा है कि वर्क स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, वो सारी टेक्निक्स को स्टडी करते हैं. जैसे कि इसके अंदर दो स्टडी आती है आपकी, यहाँ पे मैंशन है, देखो फर्स्ट वन इज़ योर मैथड स्टडी हियर एंड द सेकेंड वन इज द वर्क मेजरमेंट. ठीक है, सो वर्क मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम स्टडी, दैट इज मेथड स्टडी. फर्स्ट वन मेथड स्टडी, सेकेंड वन इज टाइम स्टडी भी बोल सकते हो, TS टाइम स्टडी भी बोल सकते हो या फिर वर्क मेजरमेंट भी बोल सकते हो. इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे प्लांट में किसी भी प्रोडक्शन शेड्यूल का, उसमें कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं सो दैट हम लोग क्या करें, इकोनॉमी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, हमारी इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो सके, एंड हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी डिटोरिएट ना हो. ठीक है, सो दैट इज द टाइम स्टडी सॉरी वर्क स्टडी, एंड दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय BS ग्लॉसरी. ओके, सो नेक्स्ट वर्क स्टडी. वर्क स्टडी हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अल्टीमेटली आपको वर्क स्टडी जो है बेटर होगा, आपका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा, तो आपका प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा. ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू इंक्रीज द अमाउंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, सपोज आपके पास 100 रॉ मटेरियल है, सो इफ इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन प्रोड्यूस द 110 रिसोर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, 100 अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो उसे हम 110 क्या कह सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना. इज इट पॉसिबल इफ देर आर 100 रॉ मटेरियल्स आर देयर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली द 90 गुड्स. ठीक है, फाइनल गुड्स एंड गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो तो क्या है, इसमें हमारा जो है वेस्टेज हो रहा है. ठीक है, सो इसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है. ठीक है, सो दिस विल गिव द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द लिटिल और नो फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो आपका क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज या फिर जो रॉ मटेरियल्स है वो कम से कम में या फिर लिटिल और फर्दर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट है या फिर जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो हमको उसको क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू इंक्रीज दैट. ठीक है, सो वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स द टू टेक्निक्स. ठीक है, फर्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी, सेकेंड वन इज द वर्क मेजरमेंट. सो लेट अस सी. सो मेथड स्टडी क्या होता है, इसमें हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स.
ठीक है, जैसे आपका नेम से पता चल रहा है मेथड स्टडी, मेथड मींस प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसका भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी डेटा मिलेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई हमारा कोई न्यू प्रोजेक्ट है जिसका हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है जो हमने अभी स्टैब्लिश नहीं किया, उसका भी प्रोसेस है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। सो द मीन्स, सो हम लोग क्या कर सकें, हम लोग एक इफेक्टिव मेथड डेवलप कर सकें। यहाँ पे लिखा दैट इज मीन्स फॉर डेवलपिंग एंड अप्लाइंग द इजियर एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, एक अच्छा मेथड हम लोग अप्लाई कर सकें या इवॉल्व कर सकें, एंड सो दैट हमारा जो कॉस्ट भी है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन। सेकेंड मेथड अंडर द वर्क स्टडी इज द वर्क मेजरमेंट। ठीक है, सो वर्क मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्या, टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी, मेजरमेंट में क्या करते हैं हम लोग, मेजर करेंगे टाइम, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द टाइम स्टडी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग टाइम जो है किसी भी वर्क को करने में कितना टाइम ले रहा है एक वर्कर, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर जॉब के लिए, एंड देन वी विल ट्राई टू रिड्यूस द टाइम। ठीक है, या फिर उस टाइम में अगर कोई ऐसा आइडियल टाइम या खाली टाइम है जब ऑपरेटर खाली बैठा हुआ है, उस सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो वर्क मेजरमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर द क्वालिफाइड वर्कर्स टू कैरी आउट द स्पेसिफाइड जॉब एट अ डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड इसके साथ ही साथ टाइम को आपको कम करने के साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिटोरिएट हो जाए, नहीं, आपको परफॉर्मेंस के लेवल को भी क्या करना है, मेंटेन करना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डायग्राम फॉर वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में दो चीजें आती है, मेथड स्टडी दैट इज सिंप्लीफाई द जॉब एंड डेवलप द मोर इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, एंड वर्क मेजरमेंट इसमें क्या करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, या फिर हम लोग टाइम को स्टडी करते हैं। ठीक है, इफ दिस बोथ विल बी डन देन दिस विल लीड टू द हायर प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड वॉट इज वर्क स्टडी, इज इट क्लियर नाउ? ओके, okay, now next subtopic under the work study is the steps, basic steps in work study. So the first step is select. क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ऐसा जॉब या प्रोसेस जिसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है अंडर द वर्क स्टडी, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप इज द रिकॉर्ड, सो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग में वी विल रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, जो भी हमने जॉब यहाँ सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, रिकॉर्ड है, ठीक है, टाइम कितने घंटे में काम हो रहा है, कौन सी मशीन यूज होता है, कितने दिनों में उस मशीन की फटीग होता है, ये सारी चीजें जो भी हमको रिकॉर्ड करनी, वी विल रिकॉर्ड दैट। एंड इन थर्ड स्टेप इज द एग्जामिन, सो एग्जामिन में क्या करते हैं, वी विल क्रिटिकली एनालाइज द जो भी हमने रिकॉर्डेड डेटा लिया है सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे जो भी हमारा डेटा इकट्ठा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं इन द थर्ड स्टेप। जैसे हु इज गोइंग टू डू दैट टास्क, वट इज गोइंग टू परफॉर्म, एंड वेन दिस इज जो भी जॉब है वो कब परफॉर्म होगा, क्यों परफॉर्म होगा, ठीक है, हु, when, what, why, ठीक है, ऐसे करके which, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, examine करते हैं। Now next step is the develop. So develop में क्या करते हैं हम लोग, most economical way of doing the things या method, ठीक है, work study है तो method या प्रोसेस, उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड होगा। तो नेक्स्ट इज मेजर, सो मेजर में क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व एंड द टाइम इन्वॉल्व इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, जो हमने यहाँ पे जॉब सेलेक्ट किया था उस जॉब को करने में हमको कितना टाइम लगेगा एंड कौन कौन सा वर्क उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे अंडर द मेजर स्टेप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन, सो अंडर द डिफाइन स्टेज वी विल डिफाइन द न्यू टाइम एंड न्यू मेथड। ठीक है, वी विल डिफाइन द न्यू मेथड एंड व्हाट वी कैन से स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे मेजर कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन कर देंगे एंड स्टैंडर्ड मेथड डिफाइन कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंस्टॉल, सो फाइनली इंस्टॉल में क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है बनाया था, स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड मेथड, हम वो क्या करेंगे, यहाँ इंस्टॉल कर देंगे या फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड देन लास्ट स्टेप दैट इज मेंटेन, सो मेंटेन में व्हाट वी विल डू, वी विल मेंटेन जो हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेथड बनाया है उसको हम लोग क्या करें, वी विल ट्राई टू स्टिक टू दिस मेथड और दिस टाइम। ओके, सो आपका जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप होता है वो एवरी ईच एंड एवरी स्टडी में आता है। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट और व्हाट वी कैन से टाइम स्टडी। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप जो है हर स्टडी में आएगा, बट स्टेप फोर जो है,
स्टेप फोर कौन सा है, दिस वन इज द स्टेप फोर. स्टेप फोर जो है पार्ट है मेथड स्टडी का, एंड स्टेप फाइव दैट इज दिस मेजर. मेजर स्टेप इज द पार्ट ऑफ वर्क मेजरमेंट, बिकॉज मेजर कहाँ क्या चीज को करेंगे हम लोग, टाइम को. सो ये क्या होगा, पार्ट होगा हमारा वर्क मेजरमेंट का. एंड जो फोर्थ स्टेप है दैट इज डेवलप. सो डेवलप क्या करते हैं हम लोग, मेथड को डेवलप करते हैं ना. सो दैट इज द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी. सो वर्क स्टडी का एडवांटेज क्या है, दैट दिस विल ट्राई टू थ्रू द यूज ऑफ वर्क स्टडी वी विल ट्राई टू अचीव द स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो विद द मिनिमम इंटरप्शन, एंड दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट. ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, नथिंग मच टू वरी अबाउट इट. सो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस टर्म यू कैन आस्क. ठीक है, एनकरेज द बेटर वर्कर मैनेजमेंट रिलेशंस. ठीक है, एंड इंश्योर द डिलीवरी शेड्यूल आर मेट. रिड्यूस द रिजेक्शन एंड स्क्रैप प्रोडक्शन एंड ब्रिंग्स अबाउट द हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल हेल्प इन बेटर वर्किंग कंडीशन. दिस विल ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, की कितना स्पेस हमको यूटिलाइज करना है, एंड प्रॉपर लेआउट कैसे सेट करना है. दिस विल स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई द जॉब. ठीक है, या फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन का काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज दिस विल एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एन ऑपरेशन. ठीक है, या फिर किसी जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करेगा, एंड ऑल्सो कि कौन से टाइप के मैन पावर की जरूरत है टू परफॉर्म दैट जॉब, एंड ट्राई टू कंट्रोल द प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूल. ओके, नाउ कम्स टू द टॉपिक दैट इज वर्क मेजरमेंट. ठीक है, सो वर्क मेजरमेंट मैंने क्या बताया था कि वर्क मेजरमेंट को और किस नाम से जानते हैं, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ वर्क मेजरमेंट. टेल मी, सो रहे हैं क्या सब लोग, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ वर्क मेजरमेंट. ओ इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन, सब लोग सो रहे हो, बोलो अल्टरनेट नेम ऑफ वर्क मेजरमेंट. राधिका, कमल, मैम टाइम स्टडी. गुड, यही तो पूछ रही हूँ, कौन सा बहुत भारी का सवाल पूछ दिया मैंने, जैसे आप लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, सो वर्क मेजरमेंट क्या होता है, वर्क मेजरमेंट इज योर वर्क को मेजर करना. तो किस में मेजर करोगे, टाइम को ना मेजर करोगे, वर्क की क्या क्यों मेजर करोगे, कैसे करते हैं इसको तो मेजर नहीं करोगे. क्या मेजर करोगे वर्क में, जो हमारा टाइम इन्वॉल्व हो रहा है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम स्टडी. सो टाइम स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू मेजर द टाइम. ठीक है, एंड उससे रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग, डेटा इकट्ठा करते हैं टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अवर प्लांट. ठीक है, एंड इफ इट इज पॉसिबल वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द डिलीवरी डेट्स एंड कॉस्ट, कितना कॉस्ट ऑकर हो रहा है. ठीक है, हमारे प्रोडक्शन शेड्यूल का, सो दैट हम लोग क्या कर सकें, वी कैन इंक्रीज अवर इफिशियंसी. अवर इफिशियंसी मतलब आपके जो प्लांट है उसकी इफिशियंसी इंप्रूव हो सके, लेबर है उनका हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. सो दैट इज योर वर्क मेजरमेंट. ठीक है, सो लेट अस सी द डेफिनेशन. सो वर्क मेजरमेंट इज एन एप्लीकेशन और टेक्निक डिजाइन टू स्टेब्लिश द टाइम. ठीक है, हमने यहाँ क्या करते हैं, टाइम स्टेब्लिश करते हैं फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड जॉब एट अ डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, वही मैंने बताया कि वर्क मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी विल ट्राई टू स्टडी द टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में, बट एक डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको काम जल्दी खत्म करना है तो यू यू मीन्स कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं कुछ प्रोसेसेस को, ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, दैट इज कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव मेथड्स, की कुछ बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उनको क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं अंडर द वर्क मेजरमेंट, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट बेस्ट टाइम और बेस्ट सुटेबल टाइम. नेक्स्ट इज एक्सेसिंग द करेक्ट इनिशियल मैनिंग, कि हमको कितना मैनिंग, मैनिंग मीन्स मैन पावर, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. नाउ थर्ड स्टेप इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज रियलिस्टिक कॉस्टिंग, जो रियल कॉस्ट कितना ऑकर हो रहा है वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा. नाउ फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम. नेक्स्ट इज डिलीवरी डेट ऑफ गुड्स, वी कैन फाइंड आउट कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग द सब स्टैंडर्ड वर्कर्स एंड ट्रेनिंग द न्यू एम्प्लॉयज. ठीक है, ओके, नथिंग न्यू इज हियर, दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं प्रोसीजर हैं अंडर दिस स्टेज आर सेम एज द वर्क स्टडी. सो फर्स्ट वन इज द सेलेक्ट. ठीक है, सेलेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेम एज प्रीवियस जो हमको जॉब जिसको हमको स्टडी करना है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड इज द रिकॉर्ड. सो रिकॉर्ड में अंदर क्या करते हैं हम लोग, वी विल ट्राई टू obtain all the relevant information and data regarding to the method, operator, job, working condition, time कितना लग रहा है. ठीक है, सारी चीजों को. Now next is examine. जो हमने अभी सेकेंड स्टेप में जितना भी डेटा इकट्ठा किया है उन लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिन करते हैं अंडर द थर्ड स्टेप इन डिटेल. ठीक है, डिटेल डेटा एनालिसिस होता है और डिटेल डेटा क्रिटिकली एनालिसिस ऐसा होता है. Now next is measure. मेजर में हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टडी और ट्राई टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व. ठीक है, कितना वर्क या कितना टाइम इन्वॉल्व हो रहा है किसी वर्क को करने में, हम लोग क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं. नेक्स्ट है कंपाइल. सो कंपाइल में क्या करते हैं, वी विल कंपाइल द स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, जो हमको काम करने के लिए वर्कर को जो ऑपरेटर को जो टाइम देना है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस का टाइम देते हैं, उसके साथ ही साथ हम परफॉर्मेंस रेटिंग को भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिट हम लोग क्या करते हैं, फाइनली एक कंपाइल्ड टाइम निकालते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन. सो डिफाइन में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, सो दैट हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम डिफाइन कर पाए फाइनली, एंड उसको हम लोग क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें हम लोग अपने ऑपरेशन में. ठीक है, या अपने प्रोडक्शन शेड्यूल में. ओके, सो दिस आर द स्टेप्स. नेक्स्ट इज योर टाइम स्टडी टेक्निक्स. ठीक है, सो टाइम स्टडी के वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं. अंडर द स्टॉप वॉच टेक्निक जो है सबसे मोस्ट कॉमन टेक्निक है. ठीक है, सो टाइम स्टडी इज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम एंड रेट ऑफ अलाउंस रेट ऑफ वर्किंग फॉर एन एलिमेंट ऑफ स्पेसिफाइड जॉब कैरिड आउट अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टाइम स्टडी बेसिकली वर्क मेजरमेंट टाइम स्टडी बोथ आर द सेम थिंग्स. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं टाइम को एंड ऑल्सो द रेट ऑफ वर्किंग. ठीक है, कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने में एंड कितने रेट से हो रहा है, स्पीड क्या है. ठीक है, स्पीड क्या है किसी भी एलिमेंट या स्पेसिफाइड जॉब को करने की विद अ स्पेसिफाइड कंडीशन एंड एनालाइजिंग द डेटा सो अस टू ऑब्टेन द टाइम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द जॉब एट अ डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. जो मैंने हर बार बोला है कि हम लोग क्या करते हैं, फाइनली वी विल फाइंड आउट द टाइम टू डू एनी पर्टिकुलर जॉब बट एट डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जब परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है वो नहीं गिरना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज द बेसिक टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स. बहुत सारे स्टडी के इक्विपमेंट्स है बट कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स है जो टाइम स्टडी में यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि आपका स्टॉप वॉच. ठीक है, जो रनिंग वगैरह में भी यूज होता है एज यू नो. नेक्स्ट आपका स्टडी बोर्ड. ठीक है, आप ऐसा बड़ा सा स्टडी बोर्ड लगा सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट पॉइंट आउट कर सकते हैं. टाइम स्टडी के फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, वो यू कैन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ कैलकुलेटर. ठीक है, आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैलकुलेटर वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है. अ रिलायबल क्लॉक विद द सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड मतलब एक क्लॉक होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, हमारा आर एंड मिनट का हैंड होता है, सेकेंड नहीं होता है. बट अगर हमको सेकेंड्स तक काउंट करना है, ठीक है, कितने सेकेंड तक, तो हमको एक सेकेंड का भी एक क्या कहना चाहिए, इसको डायल होना चाहिए. ठीक है, आर मिनट एंड योर सेकेंड. नेक्स्ट इज अनदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरली कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इफ द क्वेश्चन विल आस्क जस्ट मेंशन द नेम, दैट इज स्टॉप वॉच होता है, स्टडी बोर्ड होता है, टाइम स्टडी फॉर्म्स होते हैं, कैलकुलेटर होता है, एक रिलायबल क्लॉक होना चाहिए जिसमें सेकेंड का भी हैंड होना चाहिए, एंड लास्ट वन कुछ अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन टाइम स्टडी. क्या क्या स्टेप्स फॉर्म को फॉलो करने पड़ते हैं टाइम स्टडी में. सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग टाइम स्टडी में, बेसिक टेक्निक इज टू डिटरमाइनिंग द टाइम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ द वर्क. ठीक है, जो स्टॉप वॉच टेक्निक से जो हम लोग टाइम स्टडी कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, रिपीटेटिव काइंड ऑफ अ टास्क के लिए होता है जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं. जैसे हमारा प्लांट में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा, प्लांट में अगर सपोज मास प्रोडक्शन है तो कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा. आइदर इट में भी है मास प्रोडक्शन और आइदर इट में भी है बैच प्रोडक्शन. ठीक है, बैच है तो भी कम से कम एक बैच में जो जो लॉट में डलेगा तो कम से कम 5-10 राउंड्स तक चलेंगे आपके मशीन्स. ठीक है, एक बैच का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, देन आफ्टर आप उसको उसका जो जो मशीन्स है उसको चेंज करोगे ना, तो कम से कम कुछ रिपीटेटिव टास्क होना चाहिए, रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई द स्टॉपवॉच टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी.
ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट द वर्क टू बी स्टडी। हम लोग यहाँ सेम वैसे ही है कि पहले हमको जिस वर्क को स्टडी करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एंड देन वी विल ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड ऑल द डेटास। वेयर इज कर्सर, ये ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द जॉब, लाइक जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जो एक स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन द ऑपरेशन इन टू द एलिमेंट। जो भी हमारा ऑपरेशन हमने जो सेलेक्ट किया था उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे एलिमेंट्स को मेजर करना और उसके ऊपर एनालिसिस करना इज क्वाइट ईजी रेदर देन द बिग एलिमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज मेजर द टाइम टाइम फॉर ईच एलिमेंट बाय द मीन्स ऑफ स्टॉप वॉच। ठीक है, जो स्टॉप वॉच की नीड है क्यों है, ताकि हम ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है हमारे मशीन का या ऑपरेटर जो परफॉर्म कर रहा है टास्क उसको हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके। तो स्टॉप वॉच जितना एक्यूरेट होगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है। अगर सेकेंड्स तक का जो वो है डायल है वो प्रेजेंट है तो हम सेकेंड्स तक जो है टाइम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस द ऑपरेटर्स इफेक्टिव इफेक्टिव स्पीड ऑफ वर्क ऑफ वर्क विद द रेफरेंस ऑफ नॉर्मल टाइम। सो जो हमारा ऑपरेटर का जो इफेक्टिव स्टडी ऑफ इफेक्टिव स्पीड ऑफ वर्क है कि जो कितने स्पीड से किसी काम को करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड टाइम हमने जो पहले डिफाइन किया था, नॉर्मल टाइम सपोज कोई एक काम करने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है तो ऑपरेटर उसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एडजस्ट द ऑब्जर्व टाइम बाय द रेटिंग फैक्टर टू ऑब्टेन द नॉर्मल एलिमेंट फॉर नॉर्मल टाइम फॉर ईच एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि जो हमने अभी अभी जो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रीवियस स्टेप था वहाँ से जो हमको जो ऑब्जर्व टाइम मिला है उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं विथ सम रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, रेटिंग फैक्टर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे सो दैट हम लोग क्या कर सकें, एक स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, अभी नॉर्मल टाइम बनेगा, नॉर्मल टाइम फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या किया था, हर एलिमेंट को डिवाइड कर दिया था, देखो यहाँ पे हर एलिमेंट को डिवाइड कर दिया था, सॉरी एक ऑपरेशन को डिवाइड कर दिया था इंटू द एलिमेंट्स। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल टाइम निकाल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला दिया है कि नॉर्मल टाइम का जो है फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व जो हमारा टाइम था इंटू रेटिंग डिवाइडेड बाई 100। यही बोल रहा है, देखो ये वाले स्टेप में क्या बोल रहा है कि ऑपरेटर्स का जो टाइम आया था ऑब्जर्व टाइम, एडजस्ट द ऑब्जर्व ऑब्जर्व टाइम बाय रेटिंग फैक्टर, जो रेटिंग था उसके साथ हम लोग क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं डिवाइडेड बाई 100। तो ये होता है हमारा नॉर्मल टाइम। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं सुटेबल अलाउंसेस टू कम्पनसेट फॉर द फटिक एंड पर्सनल लीड कंटिजेंसी एक्सेट्रा टू गिव द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि अभी हमने जो ये नॉर्मल टाइम निकाला ये हमारा फाइनल टाइम नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग अलाउंसेस। यहाँ लिखा है देखो अलाउंसेस। सो अलाउंसेस क्या के लिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है लेबर को, सपोज वो फटीक हो गया उसको थोड़ी देर रेस्ट करना है, लंच का टाइम हो गया उसको वॉशरूम जाना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है, या बीबी वगैरह का पेशेंट है तो उसको थोड़ी देर में बैठना है, ऐसा कुछ भी जो पर्सनल नीड है या पर्सनल कंटिजेंसी या कुछ फटीग हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा अलाउंसेस का टाइम ऐड करके चलते हैं टू द नॉर्मल टाइम। ठीक है, नाउ फाइनली क्या करते हैं, वी विल कंप्यूट द अलाउड टाइम फॉर द एंटायर जॉब बाय एडिंग द एलिमेंटल स्टैंडर्ड टाइम एंड कंसिडरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस एट ईच स्पीड। फिर आपका नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस जब आपको मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो होल जॉब था उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे टाइम जो सारे जो नॉर्मल टाइम हो रहे होते हैं उन सबको क्या करते हैं, सारे नॉर्मल टाइम्स को ऐड करते हैं एंड बाय फॉर उससे क्या मिलता है, सारे नॉर्मल टाइम को ऐड करते हैं तो हमको एक स्टैंडर्ड टाइम मिलता है फॉर ईच ऑपरेशन। बट यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी भी देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कितनी बार ऑकर हो रहा है, सपोज कोई ऑपरेशन 5 बार ऑकर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो उस एलिमेंट का जो नॉर्मल टाइम है उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल टाइम मिल जाएगा फॉर होल ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द मेथड्स फॉर ईच स्टैंडर्ड टाइम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, फिर फाइनली हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, फिर फाइनली टोटल एंड रिव्यू स्टैंडर्ड व्हेन एवर नेसेसरी। फिर हमारा जो टोटल टाइम है उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फिर रिव्यू भी सेटअप कर सकते हैं जो हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाया है उसका। ठीक है, सो दिस आर द स्टेप्स ऑफ टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। ओके,
नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। सो देखो अभी क्या है, वर्कर जो है किसी भी टाइम वर्क को परफॉर्म करता है तो वो कुछ टाइम लेता है। सपोज कोई वर्कर जो है वो क्या करता है, जॉब को जल्दी जल्दी परफॉर्म होता है ना, कि कुछ लोग जो होते हैं किसी भी वर्क को जल्दी जल्दी परफॉर्म करके फिनिश कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं लाइक दे आर लाइक पर्सन जो चलता है वाले एटीट्यूड वाले होते हैं, जो किसी भी काम को क्या करते हैं थोड़ा लेट लतीफ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो जो जो वर्कर बेटर परफॉर्म करेगा उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग बेटर होगी, ठीक है, या वो इफिशियंट उतना होगा। एंड जो वर्कर जो है लेट से किसी काम को परफॉर्म करेगा स्टैंडर्ड टाइम से भी ज़्यादा टाइम पे, तो वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। सो वही जो परफॉर्मेंस होता है वर्कर का, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेट करते हैं, दैट इज नोन एज अ परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। सो परफॉर्मेंस रेटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग योर एक्चुअल पेस ऑफ वर्किंग, ठीक है, वर्कर का जो एक्चुअल पेस ऑफ वर्किंग होता है विद दैट ऑफ योर क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड जो हमारा जो हमने सेट किया है उसके साथ कंपेयर करके एडजस्ट करते हैं। सो दैट इज योर परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। सो क्वालिफाइड वर्कर इज अ वन हु इज एक्सेप्टेड एज अ वन हैविंग अ फिजिकल एट्रीब्यूट्स पोजेसिंग द रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन एंड द नेसेसरी स्किल एंड अ नॉलेज टू कैरी आउट द वर्क इन हैंड टू सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाई ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू ILO क्या बोल रहा है कि क्वालिफाइड वर्कर वो होता है जिसके पास फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो कि वो पोजेस करे, एक रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस होना चाहिए उसके पास, एजुकेशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, काम को करने के लिए उसके साथ ही साथ स्किल होना चाहिए कि वो उस काम को कर सके, इन हैंड टू सेटिस्फाई कि हम जो स्टैंडर्ड है उसको मीट कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड एज वेल एज द क्वान्टिटी, ठीक है। सो दैट इज द परफॉर्मेंस रेटिंग। सो नेक्स्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्कर इज अ वन हुज स्किल एंड परफॉर्मेंस इज द एवरेज ऑफ द ग्रुप, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव वर्कर क्या होता है कि जिसका जो स्किल होता है या नॉलेज या परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, एक एवरेज होता है होल ग्रुप का, ठीक है। सो ही मे और मे नॉट बी अ क्वालिफाइड वर्कर, वो क्वालिफाइड वर्कर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट वो डेफिनेटली एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कर होगा कि उसके होल ग्रुप या दो तीन ग्रुप का मिला के जो एवरेज है वो जो है जो एवरेज है वो एक पर्टिकुलर वर्कर जो होता है रिप्रेजेंट करता है, दैट वर्कर इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव वर्कर। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस रेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं एक्चुअल पेस ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटर बाय कंपेयरिंग इट विद द मेंटल पेस ऑफ वर्क, मेंटल पेस ऑफ वर्क ऑफ एन ऑपरेटर वर्किंग विद द नॉर्मल स्पीड, जो मैंने पहले ही बताया कि परफॉर्मेंस रेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजस्ट करते हैं कि जो एक्चुअल पेस ऑफ वर्किंग ऑफ एन पेस ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग जो हमारा जो स्टैंडर्ड जो पेस है या फिर मेंटल पिक्चर जो हमने बना के पहले से रखी हुई है कि ऑपरेटर की स्पीड इतनी चाहिए होनी चाहिए, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, एडजस्ट करते हैं एट नॉर्मल स्पीड, ठीक है। स्पीड इंक्रीज नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड पे हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, मेजर करना है। सो दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस रेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रेटिंग का फॉर्मूला, दैट इज परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड टाइम डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम, ठीक है। जो हमारा ऑब्जर्व टाइम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टाइम को डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्व टाइम क्या था, जो हमने देख के या फिर जो जो वर्क को परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम, एंड नॉर्मल टाइम जो हमने स्टैंडर्ड टाइम प्रीवियस स्टेप में बताया था, देखो नॉर्मल टाइम ये है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व टाइम क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जो वर्कर जो है किसी काम को करेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा वो होता है ऑब्जर्व टाइम। सो दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे इन टू 100 करेंगे तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस रेटिंग निकल जाएगी वर्कर की, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है, दैट इज ऑब्जर्व टाइम डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम इनटू 100 इज इक्वल टू परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ वर्कर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस रेटिंग, कौन कौन से फैक्टर्स है जो जो है परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ अ वर्कर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो देखो ईच एंड एवरी वर्कर बाय द नेचर हैज अ डिफरेंट टेम्परामेंट, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, उनका कल्चर अलग है, उनका वैल्यू सेट अलग है, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ वर्कर जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, ठीक है, वो किसी भी काम को क्या करते हैं क्विकली परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट वर्कर्स जिनका जो नेचर होता है कि वो जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं, उनकी जो होती है परफॉर्मेंस रेटिंग जो होती है वो अच्छी होती है या हाई होती है, ठीक है। बट कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो क्या होते हैं स्लो होते हैं, उनका नेचर ही स्लो होता है कि वो कोई भी काम को जो है आराम से या स्लो से करते हैं। सो दैट उनका जो क्या होता है परफॉर्मेंस रेटिंग जो होता है नॉर्मल वर्कर के कंपेरिजन में कम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस रेटिंग को या फिर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ वर्कर को, दैट इज वेरिएशन इन क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल यूज, जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया है, ठीक
ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूल में उनमें किसी भी टाइप का वेरिएशन, ठीक है, वो आपके परफॉर्मेंस रेटिंग को अफेक्ट कर सकती है. चेंजेस इन ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ द टूल, ठीक है, जो हमने टूल्स या टेक्निक्स या मेथड्स यूज किए हैं हमारे वर्क को परफॉर्म कराने के लिए, उसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं. चेंजेस इन वर्किंग कंडीशन लाइक हीट, लाइट, डस्ट, ह्यूमिडिटी, ठीक है, दिस आर ऑल्सो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग जो होता है वो इफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबल वेरिएशन इन क्वांटिटी. एक्सेप्टेबल वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो एवरीथिंग हैज प्लस एंड माइनस. लाइक आपको सपोज 100% इफिशियंसी के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, बट नेसेसरी नहीं है कि आप 100% इफिशियंसी अचीव कर रहे हैं, आपके पास क्या होगा 90%, 99% या 99.99% इफिशियंसी होगी, ठीक है. जो वेरिएशन होता है क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट में वो भी अफेक्ट करता है आपके ऑपरेटर की इफिशियंसी को, सॉरी ऑपरेटर के परफॉर्मेंस रेटिंग को. नेक्स्ट इज वेरिएशन ड्यू टू द ऑपरेटर्स एबिलिटी, कि ऑपरेटर के पास एबिलिटी है कि नहीं कि वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है या नहीं. नेक्स्ट इज वेरिएशन ड्यू टू द एटीट्यूड एटीट्यूड ऑफ माइंड, ठीक है, जो ऑपरेटर का जो एटीट्यूड है उनका, उसका जो माइंड में स्टेटस चल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है हमारा वर्क जो होता है वो अफेक्ट होता है एंड परफॉर्मेंस रेटिंग भी इफेक्ट होती है. सो हैव यू अंडरस्टूड, समझ में आया अभी तक? यस मैम. ठीक है, यहाँ तक और रीड कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अलाउंसेस. सो अलाउंसेस क्या बताया था मैंने, जो हम जो है नॉर्मल जो हमारा टाइम निकालते हैं वो क्या होता है, सिर्फ टाइम है काम करने का, बट क्या होता है लेबर जो है ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन के साथ क्या है कुछ उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस या एक्स्ट्रा टाइम दे के चलना पड़ता है. जैसे अगर उसको वॉशरूम जाना है, रेस्ट रूम जाना है, लंच का टाइम है, ठीक है, उनको कुछ अदर वर्क है, ठीक है, उनका कुछ पर्सनल काम है, ये सब से रिलेटेड क्या होता है उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम या अलाउंसेस देनी पड़ती है. जो आपका जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा का टाइम हम ऐड करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज अ अलाउंसेस. सो क्या होता है नॉर्मल नॉर्मल अलाउंसेस क्या होता है, दिस इज द नॉर्मल टाइम फॉर एन ऑपरेशन डज नॉट कंटेन एनी अलाउंसेस फॉर द वर्कर. जो नॉर्मल टाइम जो मैंने पहले बताया कि नॉर्मल टाइम जो है सिर्फ आपके मशीन में जो टाइम लग रहा है काम करने में वो टाइम होता है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द वर्कर टू कंटिन्यू वर्किंग विदाउट रेस्ट. ठीक है, बिना रेस्ट के कोई भी वर्कर जो है कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, उसको थोड़े दिन का देर का सिटिंग का टाइम चाहिए, उसको थोड़ा लंच का भी टाइम चाहिए, बिकॉज हम ह्यूमन है, बिना खाए पिए तो हम काम नहीं कर सकते. ठीक है, एंड ऐसे उसको वॉशरूम जाना है, ऐसे कुछ कुछ टाइम अलाउंसेस होते हैं, हैंड वॉश करना है, ठीक है, ऐसे टाइम जो है वो अलाउ उनको देना पड़ता है टाइम अलाउंसेस. ठीक है, सो अलाउंसेस आर देयरफॉर मेड टू गिव द वर्कर टाइम टू रिकवर फ्रॉम द फटीग एंड अटेंड हिज पर्सनल नीड्स एक्सेट्रा. ठीक है, उसको फटीग नहीं होगा अगर आप उसको प्रॉपर टाइम में अलाउंसेस देते रहोगे, एंड उसके जो पर्सनल नीड है उनको वो क्या कर सकेगा, सेटिस्फाई कर सकेगा या फिर फुलफिल कर सकेगा. ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ अलाउंसेस. फर्स्ट वन इज रिलैक्सेशन अलाउंसेस, सेकेंड वन इज इंटरफेरेंस अलाउंसेस, एंड थर्ड वन इज कंटिजेंसी अलाउंसेस. सो लेट अस सी फर्स्ट वन, रिलैक्सेशन अलाउंसेस. सो रिलैक्सेशन अलाउंसेस इज एडिशन टू द बेसिक टाइम टू प्रोवाइड द वर्कर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंड अ फिजियोलॉजिकल नीड नीड ऑफ कैरिंग आउट द स्पेसिफाइड वर्क अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन एंड टू अलाउ द अटेंशन टू हिज पर्सनल नीड्स. क्या बोल रहा है कि रिलैक्सेशन अलाउंसेस में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा टाइम अलाउ करते हैं वर्कर को कि वो अपना जो फिजिकल नीड है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, सॉरी फिजियोलॉजिकल जो नीड है, जैसे क्या होता है फिजियोलॉजिकल नीड, थ्री थिंग्स होती हैं, दैट इज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल नीड की मीन्स कुछ मेंटल चीज़ें होती हैं, लाइक मेंटल आपको अच्छा फील आना चाहिए, आपको डोपामाइन रिलीज होना चाहिए, आपको अच्छा फील आना चाहिए, सो दैट आप अपना वर्क भी बेटर वे में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकोगे. अगर आप अगर कोई वर्कर यह होगा वो स्ट्रेस में होगा, सो आई थिंक ही may not be able to perform his work in a good manner. ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं perform कर पाएगा. So उसकी जो physiological need है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है एंड साइकोलॉजिकल जो नीड है जो अफेक्ट करती है उनके वर्कर के माइंड को, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन अलाउंसेस. ठीक है, सो दिस आर कैलकुलेटेड टू अलाउ द वर्कर्स टू रिकवर फ्रॉम द फटीक. ठीक है, इसको हम लोग देते हैं कि वर्कर जो है फटीक से रिकवर हो पाए. ठीक है, लगातार उसको काम नहीं करना पड़े, 8 आवर्स वो खड़े खड़े काम नहीं कर सकता है, उसको थोड़ी देर का बैठने का भी टाइम देना पड़ेगा, उसको खाना खाने के लिए लंच आवर का भी टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा मेंटली मेंटल थोड़ा प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए. ठीक है, सो दिस अलाउंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, दो तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड अलाउंसेस,
फिक्स्ड अलाउंसेस एंड वेरिएबल अलाउंसेस. सो फिक्स्ड अलाउंसेस क्या होते हैं कि जिनका जो टाइम फ्रेम है हम लोग कुछ फिक्स कर देते हैं, ठीक है. जैसे कि दिस आर कंपोज्ड ऑफ अलाउंसेस फॉर द पर्सनल नीड्स, ठीक है. जैसे कि आपका रेंज ऑफ 5 to 7% ऑफ जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम का 5 to 7% जो होता है हम कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं फॉर अलाउंसेस, ठीक है. सो अलाउंसेस फॉर द बेसिक फटीग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस अलाउंसेस, जो बेसिक फटीग है, ठीक है, कि काम करते करते इंसान पूरी तरह से थक गया. सो ये भी एक अलाउंसेस है जो फिक्स्ड अलाउंसेस में काउंट होते हैं. सो दिस अलाउंसेस आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इज गिवन टू टेक एन अकाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड वाइल कैरिंग आउट द वर्क एंड टू रिड्यूस द मोनोटोनी एंड ऑफ 4% ऑफ बेसिक टाइम. सो जनरली फिक्स्ड टर्म से पता चल रहा है कि हमारा जो नॉर्मल जो टाइम हो रहा होता है, नॉर्मल टाइम का 5 to 7%, ठीक है, 5 to 7% हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करके फिक्स्ड अलाउंसेस ऐड कर देते हैं, ठीक है. बट इन कॉमन फिगर में जनरली बोल रहा है कि हम 4% ऑफ बेसिक टाइम हम लोग अलाउंसेस फिक्स्ड अलाउंसेस देते हैं. एंड ये अलाउंसेस होते हैं कि हम जो है बेसिक जो हमारा फटीग हो रहा है कि हम लगातार 8 घंटे या वर्कर जो है लगातार 8 घंटे 8 घंटे तक खड़े होकर काम नहीं कर सकता है, उसको लंच आवर देंगे, उनको रेस्ट रेस्ट टाइम देंगे, उसको वॉशरूम जाने का टाइम देंगे. सो दिस आर योर फिक्स्ड अलाउंसेस. नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल अलाउंसेस. सो वेरिएबल अलाउंसेस आर अलाउंसेस विच आर वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है. जैसे कि दिस आर एडेड टू द फिक्स्ड अलाउंसेस व्हेन वर्किंग कंडीशंस आर पुअर कॉजिंग एक्सेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड रिलैक्सेशन अलाउंसेस आर गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक टाइम. ये भी जो होता है रिलैक्सेशन अलाउंसेस जो है इसका जो दो टाइप होते हैं फिक्स्ड फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों जो है परसेंटेज ऑफ बेसिक टाइम के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर दिए जाते हैं. बट जो हमारे वेरिएबल अलाउंसेस है ये फिक्स्ड अलाउंसेस के साथ ऐड होते हैं. फिक्स्ड अलाउंसेस के साथ वेरिएबल अलाउंसेस क्यों ऐड होते हैं, क्योंकि क्या होता है वर्किंग कंडीशन हमेशा बेटर नहीं होता है. जैसे कि कुछ पुअर वर्किंग कंडीशन हो गया, कुछ कुछ चीज़ें लीक हो गई या किसी तरह का स्पॉइलेज हो गया, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. सो इन सब वजह से क्या होता है कुछ वेरिएबल अलाउंसेस देते हैं. नाउ कम्स टू द सेकेंड, दैट इज कंटिजेंसी अलाउंसेस. सो कंटिजेंसी बाय द टर्म कंटिजेंसी मीन्स कुछ कंडीशन, अगर कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम हो सकता है तब हम क्या करते हैं हम अलाउंसेस दे देते हैं. दैट अलाउंसेज आर नोन एज कंटिजेंसी अलाउंसेस. सो कंटिजेंसी अलाउंसेस आर द स्मॉल अलाउंसेस ऑफ द टाइम विच मे बी इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड टाइम टू मीट टू द लेजिटिमेट एंड एक्सपेक्टेड आइटम ऑफ वर्क और डिलेज एंड विच मे ऑकर इनफ्रिक्वेंटली और इरेगुलरली. यही कंडीशन है. कंटिजेंसी मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं, कुछ ऐसी अनसर्टेन कंडीशन आती है बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो वर्क है हो सकता है स्टॉप हो जाए या फिर हमारा जो वर्क शेड्यूल है वो डिले हो जाए, उस वजह से जो हमको अलाउंसेस देने की जरूरत पड़ती है. स्मॉल अलाउंसेस होते हैं, बहुत बड़ा अलाउंसेस नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हम कंटिजेंसी अलाउंसेस. सो कंटिजेंसी अलाउंसेस हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए टूल, कोई टूल था वो ब्रेक हो गया या पावर फेलियर हो गया, सो इस वजह से जो अलाउंसेस की जरूरत पड़ती है दैट इज कंटिजेंसी. एंड दिस आर नॉट एक्सीड टू द 5% ऑफ बेसिक टाइम. जो बेसिक टाइम है या नॉर्मल टाइम है उनसे जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका कंटिजेंसी अलाउंसेस. नाउ नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस अलाउंसेस. सो इंटरफेरेंस अलाउंसेस आर बेसिकली द टाइम जो क्या करते हैं, अगर दो दो वर्क जो है सेम टाइम पे हो रहा है एंड उसकी वजह से क्या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी वर्क का स्टॉपेज हो सकता है या फिर हम उस वर्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंटरफेयर हो रहा है, एक ही साथ ही आ जा रहा है, तो उस टाइम पे हम देते हैं इंटरफेरेंस अलाउंसेस. सो इंटरफेरेंस अलाउंसेस आर द अलाउंसेस ऑफ द टाइम इंक्लूडेड इन द जॉब टू कंपनसेट फॉर द ऑपरेटर फॉर अनअवॉइडेबल लॉस of production due to the stoppage of two or more machines or being operated by him. And this allowances is applicable on the machine and process control jobs. ठीक है, जैसे देखो दो चीजें साथ में आ जाए, जैसे कि दो मशीन साथ में फेलियर हो गए या फिर दो प्रोसेसेस में सेम टाइम पे उस मशीन को यूज करना है. एक मशीन है सपोज, का एग्जांपल के लिए सपोज दो मशीन से दोनों मशीन जो है सेम टाइप पे ब्रेकेज हो गई या खराब हो गई, तो इस वजह से अलाउंसेस की जरूरत पड़ सकती है. या फिर एक ऐसा जो मशीन है जो एक दूसरे प्रोसेस में भी से भी यहीं आके काम करना है, सेकेंड प्रोसेस से भी यहीं आके काम करना है, एंड दोनों प्रोसेस से जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो सेम टाइम पे आ जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वर्क स्टॉप हो रहा है. सो इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या देते हैं इंटरफेरेंस अलाउंसेस हम क्या कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज पॉलिसी अलाउंसेस. सो पॉलिसी अलाउंसेस इज अ इज समथिंग लाइक लेबर इंक्रीमेंट,
ठीक है, इज अलाउंसेस इज एन इंक्रीमेंट अदर देन द लेबर इंक्रीमेंट अप्लाई टू द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्टरी अर्निंग ऑफ द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द अनएक्सेप्शनल कंडीशन. सो पॉलिसी अलाउंसेस में होता है कि ऐसे अलाउंसेज जो अल्टीमेटली लेबर की इफिशियंसी को इंक्रीज करने, एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करने के लिए, इन एक्सपेक्टेड सर्कमटेंसेस के लिए, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम की कंडीशन हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर का स्टैंडर्ड इंप्रूव कर देते हैं कि उनको अभी प्रोडक्ट जो है 10 नहीं, अभी उनको 20 प्रोड्यूस करना है, ऐसा जो कुछ पॉलिसी वगैरह बना देते हैं, दैट इज नोन एज अ पॉलिसी अलाउंसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड टाइम. सो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इट इज फाइनली द टाइम विच इज, देखो हमारा सबसे पहले क्या क्या बनता था, पहले बनता था हमारा नॉर्मल टाइम. ठीक है, नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल टाइम, देखो वेयर देयर इज फॉर्मूला, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग, रेटिंग डिवाइडेड बाय 100, दैट इज द नॉर्मल टाइम. ठीक है, फिर इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस, सॉरी इसके साथ हम क्या करते हैं, वेयर इज कर्सर, नॉर्मल टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अलाउंसेस को ऐड कर देते हैं फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. देन आफ्टर क्या करते हैं, हम लोग सारे नॉर्मल टाइम एंड अलाउंसेस को हम लोग फिर स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे जो हमारे नॉर्मल टाइम एंड एंड अलाउंसेस होते हैं सबको ऐड करके, तो क्या करता है, बनता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम बनता है. ठीक है, सो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, दैट स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम अलाउड टू एन ऑपरेटर टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क. अब देखो यहाँ स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक जॉब नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कितना टाइम ऑपरेटर को चाहिए, दैट टाइम इज नोन एज अ स्टैंडर्ड टाइम. एंड यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एंड स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए वर्कर का, सो दैट कम्स टू द स्टैंडर्ड टाइम. ओके, सो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज दैट सम टोटल ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, ये मैंने बताया, जैसे कि आपके पास क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस कैलकुलेट करते हो तो आपको स्टैंडर्ड टाइम बनेगा एक एलिमेंट का. ठीक है, ऐसे ही अगर आपको टोटल स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, TST, टोटल स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो आपको सारे स्टैंडर्ड टाइम ST1, ST2, ये सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, टोटल स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, विच में बी मेड अप ऑफ ऑब्जर्व टाइम ऑफ द स्टडी. ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, रेटिंग फैक्टर होगा, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर ऑफ योर वर्कर, रिलैक्सेशन अलाउंसेस. ठीक है, जो ये अलाउंसेस है उनमें रिलैक्सेशन अलाउंसेस होते हैं, कंटिजेंसी अलाउंसेस होते हैं, या फिर कुछ अनअवॉइडेबल डिलेज होते हैं जो जो लास्ट में ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 10 मिनट का डिले ज़रूरी है इस प्रोसेस को करने के लिए. ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं. सो ये सब चीज़ों को मिलकर आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम बनता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर फिफ्थ यूनिट.